हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल UPSC IAS हिंदी पर। आज हमारे साथ एक स्पेशल मेहमान हैं अमित जी, जिनकी UPSC की जर्नी के बारे में हम जानने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, कॉन्ग्रेचुलेशंस कि UPSC की जर्नी में इस फाइनल पड़ाव तक आप पहुँचे। थैंक यू ब्रदर। तो सर, अपने बारे में थोड़ा बताइए और UPSC की जर्नी के बारे में बताइए कि आपने इसको कब से स्टार्ट किया और बेसिकली आपने ग्रेजुएशन कब कंप्लीट किया, UPSC कब से स्टार्ट किया। ब्रदर, मेरा नाम अमित है और मैंने 2018 में ग्रेजुएशन किया, कंप्लीट किया। उसके बाद मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में भी इंटरव्यू दिया, बट ओवरऑल मेरा लिस्ट में नाम नहीं आ पाया और मेरा ऑप्शनल मैथमेटिक्स है और यही सब है ब्रदर। ओके, तो सर ऑब्वियसली आपका मीडियम इंग्लिश होगा। एब्सोल्युटली। ओके सर, सर आपने UPSC के लिए जो अपना ऑप्शनल है या फिर जो पूरा प्रिपरेशन है प्रीलिम्स का, तो ये कैसे किया? क्या आपने कोई कोचिंग इंस्टीट्यूशन का सहारा लिया, कोचिंग किया था आपने? एक्चुअली मैंने कोचिंग लिया था, बट ड्यूरिंग द COVID-19 पैंडेमिक जब चल रहा था, तो उस समय मेरा कोचिंग का सिलेबस कवर नहीं हो पाया, कंप्लीट नहीं हुआ। फिर मैंने 1 month अप्रॉक्सीमेट सिलेबस बचा था, तो फिर मैंने अपना सेल्फ स्टडी फोकस किया और उसके बाद मैंने सेल्फ पे ज़्यादा फोकस किया, मैंने अच्छा करने की कोशिश किया। मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में हुआ, फिर देन इंटरव्यू में गया, फिर उसके बाद ओवरऑल सिलेक्शन नहीं हो पाया। फिर मैंने सेकेंड अटेम्प्ट के लिए अपना प्रिपरेशन शुरू किया, फिर इस जर्नी तक यहाँ तक पहुँचा मैंने इंटरव्यू करके दोबारा। सर आपका मतलब क्या क्राइटेरिया रहा था अपना ऑप्शनल चूज़ करने में? क्योंकि काफ़ी कंफ्यूजन रहता है जो भी नया एस्पिरेंट आएगा, तो उसको रहता है कि ऑप्शनल को कैसे चूज़ किया जाए, इंटरेस्ट को देख के चूज़ करें या फिर इसके अलावा कि मेरे पास क्या रिसोर्सेज हैं उनको देख के चूज़ करें, कैसे करना चाहिए? नहीं, आपको इंटरेस्ट के साथ साथ रिसोर्सेज को भी देखते हुए चूज करना चाहिए, बट आपको प्राइमरी देना चाहिए कि आपका इंटरेस्ट जेन्युइनली है कि नहीं है जिस ऑप्शनल को आप चूज करना चाह रहे हो। अगर आपका उसमें इंटरेस्ट अच्छा है और रिसोर्सेज भी काफ़ी अच्छा है, देन यू कैन फॉलो आप जो ऑप्शन को चूज करना चाहते हो। अदरवाइज अगर आपका इंटरेस्ट भी नहीं है, रिसोर्सेज हैं बट इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर उसके बारे में आप सोचो। अगर इंटरेस्ट जिस सब्जेक्ट में है, देन उसके बाद आप उसको चूज करो। ओके सर, एंड इसके अलावा सर एक और रहता है कि जैसे ही कोई नया एस्पिरेंट आएगा UPSC की जर्नी में, तो सबसे पहला जो काम होगा वो होता है NCERT बाई करना, तो उसमें ओल्ड NCERT, न्यू NCERTs और वो सब रहता है, तो NCERT की जो बुक्स हैं उनकी कितनी मतलब भूमिका रहती है? एक्चुअली यार, मेरा मानना है कि NCERT अच्छी है, NCERT को पढ़ना भी चाहिए क्योंकि आपका फाउंडेशन वो बनाता है, और अगर आपका फाउंडेशन बन गया तो जितनी स्टैंडर्ड बुकें हैं आप उसको अच्छे से समझ पाओगे, लिख पाओगे और बता पाओगे। बेसिकली NCERT मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मेरा मानना है कि आप अगर उसको एज द बेस लेवल, अगर आप बेस तैयार करना चाहते हो तो आप NCERT को पढ़ो। उसके बाद आप जब NCERT को समझ लोगे, पढ़ लोगे, तो बता भी पाओगे। उसके साथ साथ अगर आप NCERT सही से पढ़े हो तो आप स्टैंडर्ड बुक को बहुत ढंग से आप हैंडल करोगे। तो सर NCERT का जैसे आपने बताया ओबियसली भूमिका रहेगी, प्रीलिम्स में भी रहेगी, बट ज़्यादा आपको क्या लगता है कि NCERT रीड करने से हमको ज़्यादा बेनिफिट प्रीलिम्स में मिलेगा या फिर मेंस में मिलता है आंसर राइटिंग में? एक्चुअली दोनों में मिलता है। रियलिटी तो ये है कि अगर हम प्रॉपरली स्टडी किया है आंसर राइटिंग का और उसके साथ साथ कोई रेफरेंस बुक है, तो अगर हम दोनों को अच्छे से रीड किया है तो हमारे लिए मेंस, प्रीलिम और इंटरव्यू तक काफ़ी आपको हेल्पफुल मिलेगा। ओके सर, इसके अलावा सर आप ऑलरेडी सर्विस में हो या फिर फुल टाइम आप प्रिपरेशन ही कर रहे थे UPSC के लिए? नहीं, एक्चुअली मेरा पिछले ईयर में मेरा UPPCS में सिलेक्शन है और उसके बाद मैंने इस टाइम फिर मैंने दिस ईयर अभी रिसेंट में मैंने मेंस लिखा है UPPCS का भी, तो ओवरऑल मैं भी उसका रिजल्ट का वेट कर रहा हूँ, काफ़ी ठीक ठाक पेपर्स हुए हैं तो मैं ऑलरेडी सिलेक्टेड हूँ। ओके सर, एंड इसके अलावा सर आज के आपके इंटरव्यू के बारे में बताइए कि आज का आपका इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कैसा रहा और आपसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए, करंट अफेयर का क्या वेटेज था? इसके अलावा जो डेफ होता है उससे भी काफ़ी सारे क्वेश्चन रहते हैं, तो उसके बारे में बताइए। आज का जो इंटरव्यू था, ओवरऑल इंटरव्यू ठीक था मेरा, और मेरे से जो क्वेश्चन पूछे गए, स्पेशली मैथ्स मेरा ऑप्शनल है तो मैथ्स से भी पूछा गया कि व्हाट डू यू मीन बाई थियोरेटिकल मैथमेटिक्स, उसका अप्लीकेशन कहाँ कहाँ है रियल लाइफ में, उस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए। फिर पूछा गया कि व्हाट डू यू मीन बाई गेम थियोरी, गेम थियोरी क्या है, इसका मतलब क्या है,
और यूक्रेन और रसिया पे ये कैसे अप्लाई होता है गेम थियरी, तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए। फिर हॉबीज़ से, क्रिकेट मेरा हॉबीज़ था तो क्रिकेट से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया कि टेस्ट क्रिकेट और वुमेन क्रिकेट इज़ नॉट फेमस और वाई, स्पेशली वुमेन क्रिकेट इज़ नॉट फेमस, टेस्ट क्रिकेट थोड़ा सा लूजिंग कर रही है, ऐसा क्यों ऐसा हो रहा है, तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए। एंड इसके अलावा सर कोई सिचुएशन रिएक्शन के क्वेश्चन भी थे? सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया कि हमसे पूछा गया कि सपोज आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर पास किया और स्टेट गवर्नमेंट भी ऑर्डर पास किया, दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, तो आप किसके ऑर्डर को फॉलो करोगे, इस टाइप के भी क्वेश्चंस मेरे से पूछे गए। और उसके साथ साथ मेरे से यूक्रेन और रसिया क्राइसिस के बारे में पूछा गया और उसके साथ साथ फाइनेंशियल क्राइसिस जो चल रही है श्रीलंका में, इंडिया इससे क्या लर्न कर सकता है, इस टाइप के भी क्वेश्चंस मेरे से पूछा गया। सर काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे भी रहे होंगे जिनका आप आंसर नहीं कर पाए, तो उन आंसर्स को, वो क्वेश्चंस को सर आपने स्किप करना सही समझा या फिर उनको आपने कैसे, वो जो सिचुएशन थी उसको कैसे हैंडल किया सर आपने? एक्चुअली मैंने उस टाइप क्वेश्चन को मैंने स्किप करने के लिए सोचा जो जो क्वेश्चंस मेरे को समझ नहीं आ रहे थे, मैं एक्चुअली मैं गेस भी करता तो अल्टीमेटली मेरे साथ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता था, वो मैंने स्किप करना सोचा। एंड इसके अलावा सर एस्पिरेंट्स हैं जो यूपीएससी की जर्नी में आ रहे हैं, तो उनके लिए सर कुछ से ऐसी बातें बताइए कि उनको काफ़ी हेल्प हो, क्योंकि यूपीएससी का जर्नी आपको पता है कि काफ़ी लंबा है और जितना बड़ा इसका सिलेबस है उतना ही ज़रूरी ये भी है कि एक प्रॉपर गाइडेंस हमको मिलता रहना चाहिए, नहीं तो फिर काफ़ी मतलब टाइम लग सकता है इस जर्नी को कम्प्लीट करने में, तो कुछ ऐसी बातें जो नए एस्पिरेंट्स को काफ़ी यूज़फुल उनके लिए साबित हो सकती। मेरा मानना ये है कि अगर आप बिगनर हो और आप यूपीएससी के लिए आ रहे हो तो पहले ये है कि आप जो भी 11th 12th की एनसीईआरटीज हैं आपको उसको अच्छे से रीड करना चाहिए और आप एक फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग बनाओ। अगर आपका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग रहेगा तो आप और बेटर परफॉर्मेंस कर सकते हो, स्पेशली प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू तक। तो आप आओ और इस टाइप के जो भी लोग हैं आने की सोच रहे हैं प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए, इंटरव्यू के लिए जाने के लिए सोच रहे हैं और जो प्रीलिम्स देने के लिए भी सोच रहे हैं कि इस बार मैं प्रीलिम्स दूंगा, तो उनका मेरा एक ही एज द फ्रेंड मैं सुझाव दे सकता हूं कि आप जितना हो सकता है मैक्सिमम प्रैक्टिस करो टेस्ट सीरीज का और उसके साथ साथ सी सेट को लाइटली मत लेना। सी सेट अगर लाइटली ले लोगे तो आपको समस्याएं आ सकती है, मेरा मानना है सी सेट को लाइटली मत लेना, सी सेट को अच्छे से वर्क करो। कोई भी हो, इंजीनियर हो नॉन इंजीनियर हो, वो बैकग्राउंड मैटर नहीं करता, बट ओवरऑल ये है कि अगर आप अच्छे से टैकल कर पा रहे हो सी सेट को देन फाइन है, जहाँ लूप होल्स हो उसको आइडेंटिफाई करो, उस पर वर्क करो अभी जो टाइम है। सर जैसे आपने इंजीनियर हो नॉन इंजीनियर हो एक ये बताया, तो उसी से रिलेटेड एक थोड़ा क्वेश्चन है कि सर मीडियम का भी एडवांटेज रहता है कि हिंदी मीडियम है तो सिलेक्शन के चांसेस कम हैं, इंग्लिश मीडियम है तो सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा हैं? अल्टीमेटली ये है ब्रदर कि अगर आपको लैंग्वेज समझ आ रही है या हिंदी या इंग्लिश, आप जिस लैंग्वेज में कंफर्ट हो बेसिकली, थोड़ा बहुत एडवांटेज मुझे दिखता है, बट मेरा मानना यही है कि अगर आप किसी भी हिंदी मीडियम्स में हो या इंग्लिश मीडियम हो, आप अगर अच्छे से उसको स्पीच कर रहे हो, अच्छे से उसको टैकल कर पा रहे हो, ठीक से वर्क कर पा रहे हो, तो लैंग्वेज में ज़्यादा मतलब, मेरा मतलब ये है कि 1-2% में भी हो सकता है ऐसा कुछ, मेरा मतलब ये है कि ऐसा कुछ है नहीं। अगर आप ढंग से स्टडी किए हो, आपका प्रॉपर मटेरियल्स है, आप अच्छे से वर्क किए हो, आपके पास अच्छा नॉलेज है, तो आप मीडियम के चक्कर में मत फंसो, हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम हो, मीडियम आपको दोनों ठीक है, जिसमें आप ज़्यादा कंफर्टेबल हो उसको चूज करो। ओके सो थैंक यू सर, आपने इतना बेशकीमती टाइम हमको थोड़ा दिया और डेफिनेटली हमारे व्यूवर्स के लिए आपने काफ़ी कुछ बताया है तो उनको काफ़ी कुछ यहाँ से जानने को मिलेगा और आपको वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड पूरे आगे की प्रोसेस के लिए आपको ऑल द बेस्ट मेरी ओर से, हमारे सभी व्यूवर्स की ओर से। थैंक यू ब्रदर। ओके सर, थैंक यू।